शिवानी और रणवीर में काफी ज्यादा बहस बसैया जो है गार्डन एरिया में हो रहा है, जहां पर रणवीर का कहना ये है कि शिवानी तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, जहां पर 13 स्टैंड लेना था ना वहां पर 13 भी स्टैंड लिया गया है। अभी अरमान मलिक का कहना ये है कि इस घर में जो है कल रात से एक ही बात चल रही है, शेरू शेरू शेरू, तो वहां पर शिवानी भी बैठी होती है। तो शिवानी का कहना ये है कि दो बातें चल रही है, एक तो शेरू की चल रही है कि भाई उसको छुपाया गया, और दूसरा मेरी जुओं को लेके बात चल रही है। तो ये सब चीज़ें होती है, उसी बीच में जो है वहां पर सना सुल्तान जो है काफ़ी सारी बातें बोलती है कि भाई मेरा हक नहीं है, मैं चुपचाप बैठी हूँ। तो रणवीर का कहना ये है कि आखिरकार ऐसा करना ही क्यों, किसी की फीलिंग है और किसी की फीलिंग जो है इसके साथ जुड़ी हुई है, उसको आखिरकार बोल क्यों रहे हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस चीज को लेके जो है शिवानी काफी ज्यादा भड़क जाती है, और शिवानी बोलती है तुम अब उसका साइड ले रहे हो, हाँ तो अभी हमने थोड़ी ना चुराया है। तो रणवीर का कहना यह है कि तुमने चुराया, तुम्हारा क्या मतलब बनता है किसी और की चीज को छूने का, तुम किसी और की चीज को छू के उसके साथ मस्ती मजाक क्यों कर रहे हो, जबकि वो मस्ती मजाक सह नहीं सकता, वो मस्ती मजाक ले नहीं सकता, तुमने क्यों बेफालतू का उसके साथ मस्ती मजाक किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो इनके बीच में ये बहस होती है, और बोलते जब जहां पर शिवानी जो है ये बात बोलती है कि हाँ तुम सब लोगों के लिए खड़े हो जाते हो, हमारे लिए कभी खड़े नहीं होते। तो रणवीर का कहना यह है कि कल रात जुओं वाली बात हुई, मैं तेरे लिए स्टैंड लिया ना वहां पर, तो बोली कहां लिया तुमने स्टैंड, हमारे लिए तो तुमने कोई स्टैंड ही नहीं लिया। तो बोलते भाई तू बहुत बड़ी झूठी है, तू बहुत ही मतलब कि बदतमीज है, तू इन बातों को तो मतलब कि मैं तो तेरे साथ बात ही ना करूं तो ज्यादा अच्छा। तो वहां से उठ के जो है रणवीर निकल जाते हैं। अब जो है इन लोगों ने प्रैंक किया सना सुल्तान के साथ, शिवानी ने, सना मकबूल ने, कृतिका ने, चंद्रिका ने, वो सना सुल्तान के साथ प्रैंक किया। सना सुल्तान का कहना ये है कि ये लोग मेरे दोस्त ही नहीं हैं, तो इनका मतलब क्या बनता है मेरे साथ प्रैंक करने का, मेरे शेरू को छुपाने का। तो यहाँ पर एक चीज़ होती है ना, इंसान को कोई छोटी सी चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर जाती है। अब सना सुल्तान को ये चीज़ें ट्रिगर कर गई है, अभी आखिरकार करें क्या, इंसान तो इंसान है, इंसान की फीलिंग जो है कहीं पर भी डूब सकती है और कहीं पर भी आसमान छू सकती है। अब आपका क्या कहना है, सना सुल्तान ज़्यादा रिएक्ट कर रही है या आप भी उसकी फीलिंग्स को समझते हैं? इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।